प्रथम तहलका न्यूज। फिरोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, फिरोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल फिरोजपुर में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच जो है वो मतदान जारी है। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग जो है वो फिरोजपुर में शुरू की गई है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से पूरे जोरों शोरों से मतदान चल रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर ये मतदान जो है वो जारी है। तो वहीं फिरोजपुर में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच जो है वो वोटिंग हो रही है। कोरोना के नियमों को भी ध्यान में रखते हुए वोटिंग की जा रही है। फिरोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, फिरोजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल फिरोजपुर में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच जो है वो मतदान जारी है। कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग जो है वो फिरोजपुर में शुरू की गई है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से पूरे जोरों शोरों से मतदान चल रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर ये मतदान जो है वो जारी है। तो वहीं फिरोजपुर में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच जो है वो वोटिंग हो रही है। कोरोना के नियमों को भी ध्यान में रखते हुए वोटिंग की जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस अधिकारी ने सुरक्षा प्रबंधों को लेकर जानकारी साझा की। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। जी सर, इदां कि पंजाब सरकार दे हदायतां अनुसार पब्लिक दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण लई पंजाब पुलिस सेंटर दा डिपार्टमेंट CRPF BSF लगाई गई है। तो कोरोना महामारी दे चलदे होए हरेक वोटर दे हत्थ धोवा के सैनीटाइजर नाल मास्क दे के उन्हां नूं अंदर भेजा जाणा। पूरा सोशल डिस्टेंस करके गोल चक्कर लगाए गए हैं कि पब्लिक कोई परेशानी ना आए। बजुर्गों वास्ते हैंडीकैप वास्ते चेयर लगाई गई है कि उन्हां नूं बैठण कोई वेटिंग करनी पवे जरूर ਨਕਰਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਬੈਟਰੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਮਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋ ਗਈ